दोस्तों सुपर नॉलेज की फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं लेकर हूँ आपके लिए बजट स्मार्टफोन यानी 15,000 के नीचे के बेस्ट कैमरा फोन, जो कि आप सबकी बहुत ही रिकमेंड थी कि भाई ओप्पो वीवो से हट के कोई ऐसे फोन्स बताओ जो कि काफ़ी कमाल के अपर्चर के साथ और कमाल के मेगापिक्सल के साथ हो। दोस्तों मैं फाइनली लेकर आ गया यहाँ पर आपके सामने 5 स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज शहनाज खान, यू वाचिंग सुपर नॉलेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों माइक्रोमैक्स ने फाइनली लॉन्च कर दिया बेस्ट कैमरा फोन अपने बजट की दुनिया में। प्राइसिंग की बात करें तो 10,000 रुपये की प्राइस है। इसके अंदर आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ और रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8x9 का स्क्रीन, जिसके अंदर आप बहुत ही कमाल की पिक्चर्स क्लिक करके देख भी सकते हैं। प्राइसिंग की बात की जाए तो ये है प्राइस 10,000 रुपये, जबकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा ये 5.7 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जो कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करें तो अगला फ़ोन है Huawei का Honor 6X, जिसके अंदर आपको रियर कैमरा 2 मिलते हैं। इसके अलावा सिंगल टून LED फ्लैश है। इसके अंदर रियर कैमरे की बात किया जाए तो इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है, जिसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। इसके मैं खुद यूज़ किया और हार्डली रिकमेंड भी कर सकता हूँ। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और इसके अलावा फुल HD की स्क्रीन आपको मिल जाती है। 5.5 इंच का डिस्प्ले भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और बेजल भी काफ़ी कम है साइड के। इसके अलावा आपको इसके अंदर 2 वेरियंट मिल जाएंगे, 3 GB और 4 GB वाले, जो एक 12,000 और 14,000 के हैं। तो अगले फ़ोन की बात करें तो अगला फ़ोन है, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है, लिनोवो का K8 Note। कैमरे की बात करें तो इसके अंदर कैमरा आपको मिलेगा 13+5, यानी 2 कैमरा है रियर में, जो कि अपर्चर भी उसका काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सेकेंडरी कैमरे की बात की जाए तो वो है 13 मेगापिक्सल का, यानी आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा। और इसकी स्क्रीन की बात करें तो फुल एचडी की स्क्रीन है और 5.5 इंच की स्क्रीन है। और प्राइस की बात करें तो आपको 14,000 में मिल जाता है। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करें तो भी काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है, जो कि है कूलपैड का Play 6। इसके अंदर भी 2 रियर कैमरा आपको मिल जाते हैं, 13+13, यानी 2 रियर कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अपर्चर भी काफ़ी अच्छा है, यानी ये आपको इंडोर लाइटिंग की फोटोज़ और आउटडोर लाइटिंग की फोटोज़ काफ़ी कमाल के देगा। और सेल्फी भी आपको इसके अंदर काफ़ी कमाल के मिलने वाले, क्योंकि सेल्फी कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ, जो कि मून लाइट की तरह ही होगा, लेकिन इसके अंदर आपको कोई फ्लैश नहीं दिया गया है फ्रंट में। इसकी प्राइस की बात की है तो ये आता है 14,000 रुपये में, जिसके अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी कमाल का प्रोसेसर, यानी कैमरे में लैग वैग कुछ नहीं आएगा और ये काफ़ी अच्छा कैमरा फ़ोन है। और अगले फ़ोन की बात की तो अगला फ़ोन है मोटोरोला कंपनी की तरफ से, मोटो का G5 Plus, जो कि 12 मेगापिक्सल का उसका रियर कैमरा है, जो कि सिंगल कैमरा है। इसके अंदर आपको डुअल टून LED फ्लैश भी मिल जाती है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का, इसका अपर्चर काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसको मैंने इसमें लिस्ट में जोड़ा है। 4 मेगापिक्सल कम है, लेकिन काफ़ी अच्छी आपको इंडोर लाइटिंग में वीडियोस काफ़ी अच्छी शूट के लिए दे देता है। दोस्तों अगले फ़ोन की बात की जाए तो अगला कोई फ़ोन नहीं है, 5ों सारे फ़ोन हो गए कंप्लीट। तो इसके अंदर मैं रेकमेंड कर सकता हूँ सिर्फ 2 फ़ोन, जो कि है Huawei का Honor 6X और Lenovo का K8 Note, जो कि काफ़ी कमाल की अपर्चर के साथ आते हैं। और इसके अंदर आपको कैमरा भी काफ़ी कमाल का मिल जाता है और ये लैग भी नहीं करते कैमराज में, यानी आप इसके अंदर वीडियो भी शूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लैग नहीं होगा, जबकि Play 6 में भी लैग होता है। और मोटोरोला का तो सिंगल कैमरा इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप चाहते हो क्विक परफॉर्मेंस फटाफट से तो ले सकते हो आप वो फ़ोन, और सबकी सब अंडर 15,000 ही है। और लिनोवो का फ़ोन जो है वो 14,000 का है, वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस का है। और ये मैं लास्ट प्राइस बताना भूल गया हूँ, मोटो का G5 Plus, जिसके प्रोसेसर की वजह से वो काफ़ी महंगा है, वो है 16,000 रुपये का। दोस्तों अभी की वीडियो में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या हमको लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए ओप्पो वीवो के अलावा कैमरा की दुनिया में। दोस्तों ये सारे फ़ोन से इसमें से आपको जो भी पसंद है उसको ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप दूसरे फ़ोन को हाथ डालते तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले बता दो, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है शेख अहमद भाई का, जिनके चैनल का नाम है नॉलेज दुनिया, जाकर फटाफट से उनको भी कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज हैं गौरव चौधरी यानी टेक्निकल गुरुजी के। तो दोस्तों अभी की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।